हेलो दोस्तों, आईए टेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐसे डेटा रहता है, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो या फिर कोई भी फाइल हो, जो हम चाहते हैं कि कोई और नहीं देखे, चाहे वो हमारे घर के हो, हमारे फैमिली के हो या हमारे दोस्त हो। हम नहीं चाहते कि उससे शेयर करें, वो हमारे लिए पर्सनल हो। लेकिन हम लोग उसके लिए बहुत सारे प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिलता है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग हाइड कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को ये पता चल जाता है कि हमसे कुछ चीज़ छुपाया जा रहा है, और वो लोग पूछने लगते हैं बार बार कि क्या आप छुपा रहे हो, जल्दी से बताओ, या कोई तरीका अपनाते हैं और वो ओपन कर लेते हैं, जिससे हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है, इस वीडियो को आप एंड तक देखना। मैं बताऊँगा कि उसके लिए आपको कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिससे आपका डेटा भी हाइड हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप किसी से क्या छुपा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ऑन करना होगा, और यहाँ पे जैसे कि मैंने टाइप करके रखा हुआ है, टाइमर लॉक फोटो वीडियो हाइड, ये एक एप्लीकेशन है, आपको इसे डाउनलोड करना है और इसे इंस्टॉल करना है। दोस्तों, आप लोग देख चुके हैं इसका कितना ज्यादा डाउनलोड है, 1000 इसका डाउनलोड हो चुका है। रेटिंग भी बहुत अच्छा है, 4.5 का रेटिंग मिला हुआ है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव रेटिंग है इसका। जो यहाँ पे फीडबैक भी कमेंट भी जो दिया गया है, वो भी बहुत अच्छा कमेंट दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा कमेंट है जो कि काफी पॉजिटिव कमेंट है। दोस्तों, अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, ये हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे ओपन करना है। हमें देखिए, यहाँ पे टाइमर लग रहा ऐसा है ये, कि आपको लगेगा कि ये एक वॉच है, लेकिन ये एक लॉक है, समझिए, एक टाइमर लॉक के नाम से जाना जाता है ये एप्लीकेशन, जो कि काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। दोस्तों, यहाँ पे एक रिकवरी क्वेश्चन मांगा गया है, मतलब आंसर मांगा गया है। अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आप कोई भी टीचर जो आपका होगा वो नाम डाल दीजिए। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन डालना है। सपोज कीजिए, व्हाट इज़ माय टीचर नेम, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सैम जो भी है, और यहाँ पे सेव करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे मेल आईडी डालना होगा, ठीक है, जो भी आपका मेल आईडी है वो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आप ऊपर में जो दिया गया है इसे ओके कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है टाइम सेट करना होगा, टाइम जो होगा वही आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। इसमें ये नहीं कि आपको कोई डिजिट डालना है, 01235 या कैरेक्टर डालना है, यहाँ पे पासवर्ड होगा वो आपका टाइम होगा। तो आप सिंपली इसे जैसे 12:15 हो रहा, ये हमारा पासवर्ड हो गया। अभी हमको ये जो बीच में ऑप्शन दिख रहा है, जो बीच में सर्कल दिख रहा है, इसी को क्लिक करना है, यही हमारा बटन है, समझ लीजिए। जैसे मैंने इसे क्लिक किया, ठीक है, प्लीज़ रिपीट योर टाइम, फिर से एक बार आपको करना है। फिर से मैंने क्या किया, इसे 12:15 कर दिया, ठीक है, और इसको फिर से बीच वाले को कर दिया। अब ये हमारा पासवर्ड सेट हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिखता होगा पिक्चर वीडियो फाइल्स, ठीक है, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहा होगा, मतलब पिक्चर आप इसमें हाइड कर सकते हैं, वीडियो को कर सकते हैं, और फाइल को आप हाइड कर सकते हैं। तो मैं सपोज कीजिए एक पिक्चर यहाँ से उठाया, यहाँ से पिक किया, इससे प्लस से, ठीक है, प्लस जब किया, यहाँ कैमरा है, फोटो जब आप खींचेंगे वहाँ से गैलरी है, गैलरी से सपोज कीजिए मैंने व्हाट्सएप से, ये आपका एक ऐड है, इसे आपको क्लिक नहीं करना है, आप इसे सिंपली जाइए, और यहाँ से सपोज कीजिए मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट किए, और यहाँ पे जो ऊपर में एक लॉक दिख रहा है, उस लॉक को आपको, इस लॉक को आपको सेट करना है, ठीक है, ये लॉक को क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये फाइल जो है आपका वो एडेड हो गया इसमें। अब ये फाइल वहाँ पे मौजूद नहीं रहेगा, ये फाइल अब हाइड हो चुका है, ये फाइल आपका इसमें आ चुका है। उसी तरह से आप वीडियो कर सकते हैं, उसी तरह से आप कोई फाइल करना होगा, वो सारा चीज़ आपको यहाँ से जब भी आप ऐड करेंगे, यहाँ पर गैलरी है, रिकॉर्डेड है, वीडियो है, क्रिएट फोल्डर है, क्रिएट फाइल है, आप सब कुछ कर सकते हैं। जो भी करना होगा आप इसको यूज करिएगा और ये चीज़ करके देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर ये एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल हो जाता है तो वो जो फाइल आप जो भी ऐड किए हैं, हो सकता है वो आपका लॉस्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली ये यहाँ पे सेटिंग में जाइएगा, आप सेटिंग को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल प्रोटेक्शन,
ये जो है आपको क्लिक करके इसे आपको ऑन कर देना है। ये जैसे ही ऑन हो जाएगा अब कोई भी आपका एप्लीकेशन को है वो अनइंस्टॉल नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ आप ही कर पाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको इसका पासवर्ड पता है, इसके अलावा कोई भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकता है। यहाँ से आपको एक्टिवेट कर देना होगा, ठीक है। अब मैं जैसे ही इससे बाहर आता हूँ, देखिए मैं एप्लीकेशन से जैसे बाहर आ गया, ये देखिए ये जैसे हमारा एप्लीकेशन ये वाला है, ठीक है, ये मेरा एप्लीकेशन है जो मैंने अभी टाइमर नाम से इंस्टॉल किया है, यहाँ पे मैंने रख दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ये एक आपको टाइमर के हिसाब से दिख रहा, मतलब एक घड़ी एक वॉच दिख रहा, जो किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लॉकर है या कोई फाइल इसमें लॉक किया गया है, किसी को ये समझ में नहीं आएगा। एक टाइमर है जिसमें हम सिर्फ टाइम देख सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, इसका आप यूज कर सकते हैं। कोई भी डेटा को आप हाइड करना है तो ये एप्लीकेशन के सहारे आप हाइड कीजिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है इंस्टॉल करने में या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।